मेरे प्यारे दोस्त हैं, सज्जन मित्रों, बताने जा रहे हैं आपको सीआरपीसी का जो अध्याय 25 है कि में क्या प्रावधान किया गया, कौन कौन सी धाराएं इसमें आती है। तो विकृत चित्त अभियुक्त व्यक्तियों के बारे में उपबंध, अर्थात की जो विकृत चित्त है, मानसिक रूप से या किसी अन्य रूप से विकृत चित्त हैं, ऐसे अभियुक्तों के व्यक्तियों के बारे में जो उपबंध है वो सीआरपीसी के अध्याय 25 में है। तो इसमें 328 से लेकर के हम आपको बता देते हैं 339 तक जो है प्रावधान किया गया है। विकृत चित्त व्यक्ति जो अभियुक्त होते हैं उनके बारे में क्या प्रावधान है, उपबंध है। तो इसमें 328 से लेकर के 339 तक की धाराएं आती है अध्याय 25 में। तो स्टार्ट करते हैं 328, अभियुक्त के पागल होने की दशा में प्रक्रिया। 329, न्यायालय के समक्ष विचारित व्यक्ति के विकृत चित्त होने की दशा में प्रक्रिया। 330, अन्वेषण या विचारण के लंबित रहने के दौरान विकृत चित्त व्यक्ति की रिहाई। 331, जांच या विचारण को पुनः चालू करना। और बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे। 332, मजिस्ट्रेट या न्यायालय के समक्ष अभियुक्त के हाजिर होने पर प्रक्रिया। 333, जब यह प्रतीत हो कि अभियुक्त स्वस्थ चित्त रहा है। 334, चित्त विकृत के आधार पर दोष मुक्ति का निर्णय। 335, ऐसे आधार पर दोष मुक्त किए गए व्यक्ति का सुरक्षित अभिरक्षा में निरुद्ध किया जाना। 336, बाहर साधक अधिकारी को कृत्यों का निर्वहन करने के लिए सशक्त करने की राज्य सरकार की शक्ति। 337, जहां यह रिपोर्ट की जाती है कि पागलबंदी अपनी प्रतिरक्षा में असमर्थ व प्रक्रिया, वहां प्रक्रिया। 338, जहां निरोध पागल छोड़े जाने की योग्य घोषित कर दिया जाता है, वहां प्रक्रिया। 339, नातेदार या मित्र की देखरेख में के लिए पागल का सौंपा जाना के बारे में प्रावधान किया गया है। ये था अध्याय 25 जो कि प्रावधान करता है विकृत चित्त अभियुक्त व्यक्तियों के बारे में। थैंक यू दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका प्यार हमें कमेंट बॉक्स में मिलता रहे।